मैं कुतुबुद्दीन, आप देख रहे हैं बीके न्यूज। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर मौलाना अबू तालिब रहमानी ने बिदर में मुनाकिद संविधान बचाओ प्रोग्राम में लोगों से खिताब किया। हमारे बहुत गहरे दोस्त राजरत्न अम्बेडकर जी और सारे भारतीय संविधान के रक्षक और उसके योद्धा, हमारे भाई और बहनों को भारतीय मुस्लिम समाज की तरफ से सलाम पेश है। आज भारतीय संविधान की रक्षा की बात जब हम आकाश पर मिसाइल दागने की बात करते हैं, जब हम सैटेलाइट लॉन्च करने की बात करते हैं, जब जमीन पर खड़े एक छोटा बच्चा समय का एपीजे अब्दुल कलाम बनकर भारत को विकास और उन्नति की राह पर लेकर चलता है, तो उसी देश में ये देखकर बड़ा दुख होता है कि भारतीय विकास की राहों पर चलने वाला भारतीय मूल का एक एक बच्चा जब विकास और उन्नति और डेवलपमेंट की राह पर चल रहा हो, वही कुछ दीवाने पागल सड़े लोग 9 अगस्त को जंतर मंतर पे बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान जलाकर भारत की तोहीन कर रहे हैं। भारत के संविधान जलाने वालों को और मूर्खों के बाबाओं को जो मैं कहना चाहता हूं कि जिस संविधान की शपथ लेकर तुम मंत्री बने हो, अगर ये संविधान न होता तो मंत्री क्या तुम संतरी बनने के लायक भी नहीं। भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी, जिस बाबा साहब अम्बेडकर के दिव्य पवित्र संविधान का शपथ लेकर इस देश के प्रधानमंत्री के कुर्सी पर बैठते हैं, वो बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है। और 15 अगस्त को खूबसूरत कपड़े पहनकर मॉडलिंग करते हुए जिस लाल किला में खड़े होते हैं, वह मुसलमान ने दिया है। इस देश के संविधान, आज हम देश के संविधान की बचाने की बात क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि दोस्तों याद रखना, जब गरीबों के हाथों की रोटियां छीन ली जाए और एक मजदूर की रोटी से ज्यादा उसकी तनख्वाह से ज्यादा उसकी रोटी महंगी हो जाए, तो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की आवश्यकता होती है कि देश बचाओ, संविधान बचाओ, जनता बचाओ, महिला बचाओ। बेटी बचाने की बात करते हो, महाराष्ट्र का एक राजनेता कहता है तुम बेटी पसंद कर लेना, अपहरण का धंधा मैं करूंगा। शर्म आती है हमें ऐसे लोगों पे। ये भारत के संविधान को पवित्र कर रहे हैं ये लोग, और ये वो लोग हैं, याद रखना लोगों और कान खोल कर सुन लो। और वो ये बात कि अगर किसी की मां की गोद से उसका बच्चा छीन लिया जाए तो उसकी मां तुम्हारा खून पी जाएगी। अगर भारत माता की गोद से अंबेडकर का दिया हुआ संविधान तुमने छीना है तो हम करोड़ों भारतवासी तुम्हें हमेशा के लिए दफन कर देंगे। इतिहास में तुम्हारा नाम तक नहीं होगा, तुम हमें पहचानते नहीं हो। हम तो वो है कि हमसे वो पंगा अंग्रेज ना ले सका जिसकी हुकूमत में सूरज डूबते नहीं थे, जब वो जीत नहीं सका तो तुम क्या जीतो। याद रखना, हमारे रगों में हजरत टीपू सुल्तान शहीद का खून दौड़ रहा है, गोडसे का खून नहीं दौड़ रहा है। हमने जब अंबेडकर जी जिंदा थे तो उनको चुनाव में हरा दिया गया, डॉक्टर अंबेडकर जी को मुसलमानों ने बुलाकर अपने बलबूते पर दोबारा चुनाव जिताकर पार्लियामेंट भेजा था। अगर कल हमारे पुरखों ने बाबा साहब अंबेडकर का साथ दिया था तो आज मुसलमानों की सारी औलाद राजरत्न अंबेडकर का भी साथ दे। मैं तो कहता हूं कि ये नए भारत की नई सुबह है राजरत्न अंबेडकर हमारा, ये राज भी है और रत्न भी है, ये दोनों ही है और ये हमारे आंखों के तारे हैं। बाबा साहब अंबेडकर के घर का कोई भी सामान मिलेगा हम उसको मोहब्बत से देखेंगे। और जानते हो क्यों देखेंगे? जानते हो इस संविधान को हम सलाम क्यों करते हैं? प्रधानमंत्री जी कहते हैं मुसलमान के एक हाथ में कुरान दूसरे हाथ में कंप्यूटर हो, मैं कहता हूं नहीं, भारत के मुसलमानों के एक हाथ में कुरान होगा तो दूसरे हाथ में भारत का संविधान।
इसलिए संविधान बचाओ। उड़ीसा के आदिवासी कालाहांडी ने बहुजन समाज का एक मूल अधिकारों से वंचित हमारा गरीब भाई जब अपनी मरे हुए बीवी की डेड बॉडी लेकर निकलता है तो इस महान देश में जहां कुत्तों को लंदन की बिस्किट खिलाई जाती है वहां हमारे गरीब भाई को अपनी पत्नी के मरे हुए डेड बॉडी ले जाने के लिए एम्बुलेंस नहीं मिलता है। इसलिए कहता हूं देश का संविधान बचाओ। तमिलनाडु में जब एक 80 साल का बूढ़ा अपने 50 साल के भाई के डेड बॉडी को लेकर साइकिल पे जा रहा था तो दुनिया एम्बुलेंस नहीं देशभक्त लोग वीडियो बना रहे थे। इसलिए कहते हैं देश का संविधान बचाओ। जब उड़ीसा में 7 साल की बच्ची अपने गरीब मां से कहती है मुझे भूख लगी है मुझे खाना दो खाना दो खाना दो, राशन वाला उसे चावल नहीं देता है और बच्ची मर जाती है तब हम कहते हैं बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान बचाओ। आज चर्च से हमारे ऑनरेबल फादर चित्रदुर्गा के महान स्वामी जी, हमारे भिक्षु जी, मस्जिद से मौलाना, ये सारे लोग क्यों आए पता है आपको? क्यों आए? संविधान बचाने क्यों आए हैं? इसलिए आए हैं, सुन लीजिए कान खोलकर, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी का प्रचार करने नहीं आए हैं, बिल्कुल नहीं। अगर हमें कोई आदमी पसंद नहीं होगा तो हमारे पास नोटा भी है, नोटा दबा कर तुम्हें बता देंगे कि हम टिकाऊ नहीं है, इस सब के साथ जीते। हम किसी पार्टी के बुलवा नहीं है कि तुम इससे डराओगे तो उसके पास जाएंगे, उससे डराओगे तो इसके पास जाएंगे, ना तुम्हारे पास जाएंगे ना तुम्हारे पास जाएंगे, बाबा साहब अम्बेडकर के दिया हुआ संविधान के पास जाएंगे। ये सारे लोग इसलिए निकल कर आए हैं, ये मौलाना चर्च के फादर मटके सोनी भिक्षु जी, हमारे सरदार जी, ये सारे लोग, ये हमारे भाई धूप में खड़े, हमारी बहनें बैठी हुई हैं, ये बच्चे, ये सारे लोग इसलिए निकल कर आए हैं कि इस देश के टेलीविजन पर बैठने वाला एंकर भारत का भयंकर बन गया है। हम इसलिए आए स्वामी जी कि सन्यासी के नाम पर इस देश में सत्यानाशी का कारोबार हो रहा है, सत्यानाशियों से इस देश को बचाने के लिए वो लोग जो देशभक्ति के नाम पर साबुन बेचते हैं, देशभक्ति के नाम पर तेल बेचते हैं, देशभक्ति के नाम पर कुकर बेचते हैं, देशभक्ति के नाम पर चावल बेचते हैं, ये बाबा साहब अंबेडकर के संविधान का एहसान है कि बाबा जी भी लाला जी बनकर ब्लैक कमांडोज लेकर घूम रहे हैं। तुम्हें कौन पूछने वाला था? देश को बचाना है तो आइए। अगर हरियाणा के खट्टर साहब, हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री जनाब खट्टर साहब, अगर शक की बुनियाद पर बिरयानी में हांडी हांडी में बिरयानी चेक कर सकते हैं, अगर यूपी में योगी जी शक की बुनियाद पर एनकाउंटर करा सकते हैं, अगर भारत में शक की बुनियाद पर हजारों मुसलमान नौजवानों को बेकसूर जेलों में जाल कर उनकी जवानी को बर्बाद किया जा सकता है तो मैं पूछता हूं कि शक की बुनियाद पर ईवीएम मशीन की चेकिंग क्यों नहीं हो सकती? ये ईवीएम का घोटाला जब भारत सोता है तो मशीनों में घोटाले होते हैं और जब भारत जागता है तो अपराधी भागते हैं। अभी तो मुझे लग रहा है कि एयरपोर्ट पे एक स्पेशल काउंटर खोलना पड़ेगा देश को लूट कर भागने वालों के लिए, इमिग्रेशन क्लियर करवाने के लिए स्पेशल काउंटर। 5,000 रूटो भागो, 10,000 रूटो भागो। मेरे दोस्तों और भाई और बुजुर्गों, याद रखिएगा कि आपके मंदिर उस वक्त सुरक्षित है, हमारे मस्जिद उस वक्त सुरक्षित है, आपके चर्च उस वक्त तक सुरक्षित है जब तक कि भारत का संविधान सुरक्षित है। अजान देना मुश्किल हो जाएगा, आरती उतारनी मुश्किल हो जाएगी, चर्चों में प्रेयर करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए कहा जा रहा है यह देश, मैं आपसे साफ साफ कहता हूं और बार बार कहता हूं कि देश के तमाम लोग एक हो जाओ, अगर देश विकास करेगा तो उसके उजाले में हम सब भी रहेंगे, इस जहां को रोशनी देने के लिए अगर एक सूरज है तो भारत को उजाला
हवाला देने के लिए डॉक्टर अम्बेडकर का दिया हुआ भारत का संविधान है।